मोहम्मद फैज़ान जो हैं ये लाहौर से ताल्लुक़ रखते थे स्टूडेंट थे छः लाख रुपए इनको टी ने दिए इसके मुताबिक इसने कुछ छः पुलिस के बंदे जो हैं वो इसने शहीद किए इसका इसका एक्चुअल टारगेट शायद कुछ और था जो कि ऑफिशल्स बताते हैं कि कोई हाई वैल्यू टारगेट्स जो थे वो इसको असाइन किए गए थे और ये पायलट प्रोजेक्ट के अंदर इसने अपने आपको साबित करना था कि दैट ही इज़ कैपेबल इनफ़ टू तो गो इन टू एन पैनिटेट इन टू दो एरियाज और वहाँ पर जाके वो कैरी आउट कर सकें फैज़ान जो हैं ये लाहौर से ताल्लुक़ रखते थे स्टूडेंट थे और एक रिलीजस एफिलियशन या रिलीजस लीनिंग जो है वो उनकी नज़र आती थी रिलीजस uh, इंटरप्रटेशन जो उनको मिली वो ठीक थी बुरी थी वो तो जाहिर है ओबियसली डिबेटेबल भी है और वो एविडेंट भी है कि वो कोई इतनी अच्छी नहीं थी जिसकी जिस किस्म की उन्होंने हरकतें आगे जा के जो अभी ख़बरें सामने आई हैं उसके मुताबिक ये है कि uh, छः लाख रुपये इनको टी टी पी ने दिए और इनको टारगेट ये दिया कि हर बंदे के यानी इन्होंने एक यकमुश तो छः लाख रुपए शुरू में नहीं दिए लेकिन ये किया कि लाख लाख रुपए इनको इस तरह दिया कि जी कि तुम अगर एक एक पुलिस बंदे को मारते जाओगे तो पर पुलिस का पर्सन जो है उसको हम आपको एक लाख रुपया देंगे तो इसके मुताबिक इसने कि छः पुलिस के बंदे जो है वो इसने शहीद किए इसका इसका एक्चुअल टारगेट शायद कुछ और था जो कि ऑफिशल्स बताते हैं के कोई हाई वैल्यू टारगेट्स जो थे वो इसको असाइन किए गए थे और ये पायलट प्रोजेक्ट के अंदर इसने अपना को साबित करना था कि दैट ही इज़ कैपेबल इनफ़ टू गो इन टू एंड पेनीटेट इन टू एरियाज़ और वहाँ पर जाके वो कैरी आउट कर सकें तो इसके मोबाइल फ़ोन से भी काफ़ी ज़्यादा तस्वीर और बहुत सारी वीडियोज़ और बहुत सारे ऐसे मैसेजेस जो हैं वो बरामद हुए हैं जो कि बताते हैं कि इसके वो हाई वैल्यू टारगेट्स कौन थे इसकी सेल्फिस तक मौजूद हैं आ, कुछ ऐसी जगहों के ऊपर जहां पर इसने पेनिट्रेट करके दिखाया कि ये वहाँ पे पहुँच सकता है और उसके बाद फिर ये शायद वहाँ की राखी और पिक्चर्स भी ले रहा था टीटीपी के साथ इसका जो मामला है वो बड़ा एविडेंट है टीटीपी ये फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है डिस्पैरिटी है हैं हैव का मसला है फिर आइडियोलॉजिकल बहुत सारे मसाइल हैं स्पेशली आइडियोलॉजिकल मसाल हैं उसके अंदर होता क्या है कि इस तरह के जो यंगस्टर्स होते हैं जिनको फिर कोई चैनल नहीं मिल रहा होता वो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको वो आ, एक उनके लिए एक फ़र्टाइल मैंने जैसे कहा कि रिक्रूट बन जाते हैं अच्छा उसके अलावा फिर इसका पासपोर्ट अगर आप देखें उसके ऊपर एविडेंट है कि दैट ही ट्रेवल टूवर्ड अफगानिस्तान और वहाँ से फिर ये वापस आया था सो so इट शोज़ के तालिबान यानी टी टी पी के साथ ये वहाँ पर जाके मिला है वहाँ पर जाके इसने कोई अगर ट्रेनिंग हासिल किया है कोई टारगेट्स इसको असाइन हुए और फिर वहाँ से ये वापस आया और वहाँ यहाँ पर आकर इसने जो है वो इस तरह की कार्रवाई की है आदर इट इट एक्चुअली हैपन और नॉट यही अफगानिस्तान में इसकी वाकई ही टी से मुलाकात हुई नहीं ये बहरहाल एक फैक्ट ऐसा है जो कि असर करना ज़रूरी है और इस पर अफगान अथॉरिटीज़ ही कोई जवाब दे सकती हैं लेकिन बहरहाल ये एक चूँक एक ट्रिजेक्ट्री है कि इसने इस तरह लोगों को टारगेट किया उसके ऊपर सीसीटीवी सी टी वी फ़ुटेज़ मौजूद हैं एविडेंस मौजूद हैं रैकी करती हुई इसकी जो है वो ख़ुद इसकी आवाज़ के अंदर चीज़ें मौजूद हैं तो ये तो जाहिर है कि टारगेट इसी ने किया एसेसिनेशन इसी ने किए हैं और बकौल इसके इसको टी टी से ही ये सारी असाइनमेंट्स मिली हैं पुलिस के लिए एक चैलेंज बन गया था और काफ़ी ज़्यादा पुलिस डीमोरलाइज भी हो रही थी इस हवाले से कि जी के लाहौर जैसे शहर के अंदर पुलिस की जो है वो टारगेट किलिंग हो रही है ऑफिशियल वर्जन ये है कि ही गॉट शॉट बाय हिज़ ओन फ्रेंड्स जिनको बेसिकली ये पकड़वाने जा रहा था जब ये पुलिस के हाथों पकड़ा गया और उन आ, पुलिस इसको लेके वहाँ पे गई जहाँ से इसने बाकी लोगों को स्लिपिंग सेल से निकालना था तो एक्सचेंज ऑफ फायर के अंदर ये आ, उनका उनकी ही गोलियों का निशाना बन गया नाउ दिस इज़ ऑफिशियल वर्जन ऑबियसली तो ये बेसिकली जो है ये क्या बताता है आपको कि इस तरह के किसी भी मामले का एंड जो है वो दर्दनाक ही है यू आर अ डिस्पोज़ेबल liability not an asset you are a disposable liability for uh, not only for the for the people who are uh, securing the country but also for those for whom you are working interesting factor इसके अंदर क्या है interesting factor इसके अंदर ये है कि जो फेडान को targets दिए गए थे अगर उनको चुंगे मैं इस वक्त शायद इस तरह यहाँ पे reveal ना कर सकू लेकिन अगर उसके टारगेट्स का बर्नतर गैर ज़्यादा लिया जाए तो वो कहीं से भी अफगान एंड एंड गवर्नमेंट के टारगेट्स नहीं लगते वो टारगेट्स इंडियन टारगेट्स हैं यानी उनका डायरेक्टली जो फ़ायदा है वो इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन रियासत को पहुँचता है तो इससे ये भी जाहिर होता है कि अफगान सॉयल को बाकायदा हॉस्टल एजेंसीज जो है वो इस्तेमाल कर रही हैं उस दौरान अगर ये अफगानिस्तान भी कहीं से जाके होकर है तो ये एक सवाल का निशान जो अफगान गवर्नमेंट जो इंडम है उसके लिए खड़ा हो जाता है कि ये वहाँ पे क्या करने गया था किन से मिला क्या उनके नाक के तले से ये होकर आ गया और कहीं से इसे असाइनमेंट्स लेकर आया या ये उनके इल्म में था तो ये वो तमाम हल तलब मसाइल या सवालात हैं जो कि ऑब्वियसली टाइम गवर्नमेंट को ही आ, उनका जवाब देना पड़ेगा अगर आप टी टी पी के बयान को देखें तो वो बड़े सियासी किस्म के बयान आते हैं पहले टी सारे बयाना जो देती थी वो देती थी डायरेक्ट जहाद और यू you नो know, क्या हाकमियत अल्लाह और किसी को भी वो ना छोड़ने की बात करते थे सो मच सो के वो इसमें पाकिस्तानी जो अवाम है उसको भी उतने ही मुरद इल्जाम ठहराते थे जितना वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को करते थे लेकिन लेटली उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक सियासी बयान देना शुरू किया जिसके अंदर टैक्टिक उन्होंने ये अपनाई है कि वो आवाम को और सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर एक दरार पैदा करनी चाहिए देखें जी हम सॉफ़्ट टारगेट्स पे हमारा कोई सीन नहीं है हम जो है वो लोगों को बिल्कुल टारगेट नहीं करेंगे लोग हमारे टारगेट पे नहीं है हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो कि इस बातिल निज़ाम को अकॉर्डिंग टू दैम जो बातिल निज़ाम है उसको प्रोटेक्ट करें एंड दोज आर ऑबियसली पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेज और फिर फौज जो आपकी है सो दीज आर द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंसेज और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो आपकी सिविल फोर्स है वो ऑबियसली इज़ पुलिस पुलिस अच्छी है बुरी है रिश्वत लेती है नहीं लेती है आपके साथ बदतमीजी से पेश आती है नहीं आती है एट द एंड ऑफ द डे बहरहाल एक कहीं ना कहीं सेंस ऑफ सिक्योरिटी बहरहाल आपको प्रोवाइड करती है और जब उसके अंदर डिस्पैरिटी क्रिएट होना शुरू होगी तो डेफिनेटली आपके फ़र्स्ट लाइन ऑफ़ डिफेंस का एक रिपल इफेक्ट जाएगा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पे और वहाँ से फिर वो जाएगा थर्ड दैट इज़ आर्मी और इसी चीज़ के अंदर वो पाकिस्तान के आवाम को जब उसको डिटैच करने की कोशिश करेंगे तो वो उनको एक कामयाबी शायद नज़र आना शुरू हो जाएगी कि शायद हम जो है पाकिस्तानी अवाम को अपनी तरफ मायल करने में कामयाब हो गए यही टैक्टिक अफगान तलिबान ने भी अपनाई थी अपने आखिरी सालों के अंदर अफगानिस्तान में जहाँ पे वो अमेरिकन फोर्सेस को बिल्कुल ऑलमोस्ट ना होने के बराबर टारगेट करते थे और उन्होंने जो टारगेट पर रखा हुआ था अफगान पुलिस को अफगान नेशनल आर्मी के लोगों को यही स्ट्रैटी जो कश्मीरी मुजाहिदीन थे उन्होंने सी पी आर एफ के अगेंस्ट जो है वो इंडियन आक्योपाइड कश्मीर के अंदर भी अप्लाई की थी जब आ, आ, बहुत जो एक सिग्निफिकेंट जो मूमेंट उधर चल रही थी मिलिटेंसी की वो करटेल डाउन हुई थी तो उससे पा इंडियन फोसेज जो हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी क्रिएट हुई थी अभी भी ऑलमोस्ट यही टैक्टिक्स वहाँ पर अपनाई जाती हैं तो काइंड ऑफ वही चीज़ जो है रेप्लीकेट करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान के अंदर भी थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सोफ यू वॉन्ट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉ मोर मीनिंगफुल कॉन्टेंट प्लीज़ सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल